हेलो फ्रेंड्स, कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि एक डिटेल्ड रिव्यू मार्स बाय जीएससी का जो हेयर वाइटलाइजर है इसके ऊपर देने के लिए। क्या इस प्रोडक्ट को लगाने से हेयर फॉल बंद होता है, क्या इससे न्यू हेयर रीग्रोथ होता है, ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए इफेक्टिव है एक्सेट्रा। तो चलिए इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। मार्स बाय जीएससी का जो हेयर वाइटलाइजर है इसमें कई तरह के नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स मौजूद है, जिनमें से जो चार मेन इन्ग्रीडियंट्स है वो है रेडेंसिल, प्रोकैपिल, बायोटिन और सॉ पालमेटो। इसके अलावा इसमें है कोपैक्सिल, देन एम्बलिका एक्सट्रैक्ट्स, एक्लिप्टा अल्वा एक्सट्रैक्ट्स, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट्स, पनाक्स जिनसेंग्स और ऐसे कई नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स इसमें मौजूद है। तो चलिए अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इसमें जो चार मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं इनका क्या रोल है। सबसे पहले बात करते हैं रेडेंसिल के ऊपर। ये एक नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है जिसे कैमेलिया सिनेंसिस मीन्स ग्रीन टी लीव से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो स्टेम सेल्स को बूस्ट करता है जिससे न्यू हेयर रीग्रोथ में हेल्प होता है। देन बात करते हैं प्रोकैपिल के ऊपर। ये भी एक नेचुरल बोटानिकल सॉल्यूशन है जो डीएचटी को ब्लॉक करके हेयर फॉलिकल एजिंग प्रोसेस से फाइट करता है, हेयर फॉलिकल को श्रिंक होने से रोकता है। क्लिनिकली रिसर्च के अनुसार ये 50% तक हेयर फॉल को कंट्रोल कर देता है और 121% तक हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है। देन बात करते हैं बायोटिन के ऊपर। ये केराटिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है जिससे हेयर फॉलिकल ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाता है, हेयर टेक्सचर इम्प्रूव होता है, हेयर स्ट्रांग होने लगता है, सिल्की देन थिक लॉन्ग होने में हेल्प करता है। देन बात करते हैं सॉ पालमेटो के ऊपर। अगेन ये एक नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है। ये टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट होने नहीं देता, जिस वजह से हेयर फॉलिकल श्रिंक नहीं होते हैं और हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है, हेयर मजबूत होने लगता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो ये प्रोडक्ट हेयर फॉल कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। ये उन लोगों के लिए इफेक्टिव है जिनको अर्ली पैटर्न बाल्डनेस सिम्टम दिख रहा है, मींस अगर आपके घर में किसी को भी जेनेटिक हेयर लॉस सिम्टम्स है या फिर पैटर्न बाल्डनेस हिस्ट्री है और अगर आपको लग रहा है कि आपके हेयर पहले के मुकाबले धीरे धीरे खाली होने लग रहा है, थिन होने लग रहा है, तो इन दैट केस अगर आप इसको लगाना स्टार्ट करते हैं तो हेयर फॉल कंट्रोल होता है, फर्दर हेयर लॉस नहीं होता है, वो जो गैप बनना स्टार्ट हो रहा है, खाली दिखना स्टार्ट हो रहा है, वो नहीं होगा, हेयर भरने लगेंगे। इन शॉर्ट ये मिनोक्सिडिल लगाने से पहले वाले स्टेज तक इफेक्टिव है, मीन्स जहाँ पर आपको मिनोक्सिडिल की ज़रूरत पड़ रही है तो समझ लीजिए ये वहाँ पर इफेक्टिव नहीं है, ये मिनोक्सिडिल से कम इफेक्टिव है। तो अगर आपके फैमिली में पैटर्न बाल्डनेस हिस्ट्री है और आपको लग रहा है कि हेयर धीरे धीरे थिन होना स्टार्ट हो रहा है तो इन दैट केस इसको लगाना स्टार्ट कर देंगे तो फर्दर हेयर लॉस से आप बच जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि इस प्रोडक्ट को कब और कैसे लगाना है। तो देखिए लगाना बहुत ही सिंपल है, आपको दिन में सिर्फ एक बार लगाना है जो अफेक्टेड एरिया है, जहाँ से हेयर धीरे धीरे खाली होने लग रहा है या फिर जहाँ पर आपको लग रहा है कि फर्दर हेयर फॉल हो सकता है, वहाँ पर आपको इसको 2 से 3 स्प्रे करना है और फिंगर से स्प्रेड करके थोड़ी देर मसाज करना है ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। तो आपको हेयर पर नहीं लगाना है, स्कैल्प पर लगाना है बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। लगाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि स्कैल्प एकदम क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, गीले स्कैल्प पर आपको नहीं लगाना है। तो इसको आप रात को लगाकर ओवरनाइट रख सकते हैं बेटर इफेक्टिव के लिए, आप चाहे तो दिन में भी लगा सकते हैं। मेक श्योर कि आप मिनिमम इसको 4 घंटे लगा कर रख रहे हैं, 4 घंटे से आप ज़्यादा कितनी देर भी लगा कर रख सकते हैं नो इश्यूज़, लेकिन 4 घंटे से कम आपको नहीं लगाना है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एज सच इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें मोस्टली सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और इसके लिए आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत भी नहीं है। प्रोडक्ट खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन एकदम शॉर्ट सिंपल और हेल्पफुल है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल, कोई सजेशन हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जनरल टिप्स के साथ। धन्यवाद।